पार्वती से विवाह करने का प्रस्ताव लेकर उनके माता पिता के पास जाने का समय आ गया है। क्या समस्त सप्तऋषि से कार्य हेतु तैयार है? प्रभु, हमने माता पार्वती को वचन दिया है कि हम आपके विवाह का प्रस्ताव लेकर उनके निवास पर अवश्य आएंगे। उदास ना हो ऋषि दधीचि, सप्तऋषियों का इस कार्य हेतु जाना अनिवार्य है, किंतु आपके बिना वो शुभ कार्य के लिए प्रस्थान नहीं कर सकते। आपके इस निर्णय ने मेरे मन की सबसे बड़ी इच्छा की पूर्ति की है प्रभु। किंतु प्रभु, एक औपचारिक पर्व का निर्वाह हम रिक्त हाथों से नहीं कर पाएंगे, ये उचित नहीं होगा प्रभु। हम आपके ससुराल जा रहे हैं, कुछ ना कुछ उपहार अवश्य ले जाना चाहिए। पार्वती, औपचारिकता की महत्ता मुझे पहले ही बता चुकी है। तो आपको प्रस्थान करने में कुछ संकोच नहीं है ऋषि भृगु? प्रभु, हिम नरेश, हम सप्तऋषि महर्षि दधीचि के नेतृत्व में आपके समक्ष महादेव से देवी पार्वती के विवाह का प्रस्ताव लेकर उपस्थित हुए हैं। यह प्रस्ताव हमें मान्य है। शिव जैसा जमाता पाकर हम अत्यंत अनुग्रहित हैं। नरेश, हमारा आपसे निवेदन है कि इस शगुन के नारियल को ग्रहण कर हमें अपनी स्वीकृति प्रदान करें। तो अब वागदान की विधि आरंभ करें। वागदान? वागदान जिसमें कन्या के पिता वर पक्ष को वचन देते हैं कि वो कन्या उन्हीं को देंगे। चावल, पुष्प और वस्त्र से कन्या के पिता कन्या की पूजा करते हैं। ब्राह्मणों के आशीष से ये कार्य संपन्न होता है। हम हिम नरेश हिमावत ये वचन देते हैं कि हमारी पुत्री पार्वती का विवाह शिव से होगा। Thank you.
विवाह के लिए अत्यंत उत्तम तिथि मिली है, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अर्थात शिवरात्रि। शिव के विवाह के पश्चात संसार में ये तिथि महाशिवरात्रि के पर्व के रूप में आयोजित की जाएगी। तो ये निश्चित हुआ, शिव पार्वती के विवाह की तिथि फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी होगी। आप कृपया इस तिथि की सूचना महादेव को दीजिए और उन्हें यह भी बताइएगा कि तिलक की विधि संपन्न करने के लिए हम शीघ्र कैलाश आएंगे। विवाह की तिथि उत्तम है,